बात करते हैं जयपुर की, जहां पर सीकर जिले के कदून गांव में दिन दहाड़े हथियारों से लैस बदमाशों ने बड़ौता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। करीब 3:20 पर बैंक में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर बैंक से 1,38,000 रुपए लेकर फरार हो गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पुरुषोत्तम तिवारी जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही कानून व्यवस्था के सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मुसर्रफ राणा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही है। मुख्यतः बात की जाए तो अभी ही ताज़ा मामले की, तो सीकर जिले के कुंदन गांव की, यहां पर दिन दहाड़े हथियार लेस बदमाश बैंक में घुसते हैं और वहां पर जाकर हवाई फायरिंग करते हैं। हवाई फायरिंग के बाद में बैंक में मौजूद रखे 1,38,000 रुपये की नकदी उठाकर फरार हो जाते। वहीं बैंक कर्मियों को इन्होंने ताले में जुड़ कर के उनको फरार हो जाते, जिसके बाद में करीब 2-3 घंटे बाद बैंक कर्मचारी किसी न किसी को फ़ोन करके बाहर निकलते हैं। वह पुलिस के आला अधिकारी व बैंक के आला अधिकारी को सूचना देते हैं, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है और बैंक के जो कर्मचारी बंधक थे उनको बाहर निकाला जाता है। और जिसके बाद में जब तक जो आरोपी थे कहीं ना कहीं दूर तक फरार हो चुके होते हैं। पुरुषोत्तम, बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े बैंक में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देना, ये क्या दर्शाता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले यूपी या बिहार में ऐसी घटनाएं होती थी, जो आजकल राजस्थान में आम हो गई है कि बदमाश आते हैं, हथियार लेस बदमाश आते हैं, मुंह में नकाबपोश लगा के आते हैं, बैंक में फायरिंग करते हैं और वहां से लूटकर फरार हो जाते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुरुषोत्तम, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान नहीं खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्हीं के पास में गृह मंत्री का प्रभार भी है, तो कहीं ना कहीं उनको इस तरफ ध्यान देना होगा। राजस्थान में आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिससे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने को कगार पे है। जी राणा जी, राजस्थान में कोई ना कोई बड़ी घटना रोजाना हो रही है, और वहीं दूसरी खबर भी राजधानी जयपुर से ही सामने आ रही है, जहां पर 10 दिन में दूसरी बार डूबने से एक युवक की मौत हो गई। दो दोस्त एनिकेट में नहाने गए और जिसमें एक लड़का गहरे पानी में चले जाने से डूब गया और उसकी मौत हो गई। पुरुषोत्तम, बास्को नायनाथ एनिकेट में डूबने से युवक की मौत हुई है, 10 दिन में ये दूसरा मामला है, इस पर क्या कहेंगे आप? सब रावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांसको जो नैनाथ धाम के पास में जो एनिकेट बना हुआ है, यहाँ पर 10 दिन पूर्व भी एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी और कल फिर एक युवक की डूबने से मौत हो गई, तो प्रशासन की लापरवाही घोर सामने आ रही है। स्थानीय स्तर का जो उपखंड जो प्रशासन है, अमला है या पंचायत स्तर है, उस पर भी सूचित कर दिया गया कई बार, लेकिन वो वहाँ पर भी ना कोई चेतावनी बोर्ड लगाते हैं, ना कुछ वहाँ पर ऐसा बोर्ड लगाते हैं कि जहाँ आने वाले जो पदयात्री हैं या जो पर्यटक आते हैं उनको इस चेतावनी से जानकारी मिल सके कि यहाँ पर जो नहाते हैं वो सावधानी पूर्वक नहाएं या अपना जो यहाँ पर पर्यटन के लिए आ रहे हैं वो थोड़ी सावधानी बरतें। इसमें उपखंड कार्यालय और पंचायत स्तर की कहीं ना कहीं घोर लापरवाही सामने आ रही है। पुरुषोत्तम, कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी चूक कही जाए या फिर जानकारी के बावजूद भी आंखें बंद करके बैठा है प्रशासन, आखिर कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल राणा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन कहीं ना कहीं मुख दर्शक बन के बैठा है। सीधी बात की जाए तो स्थानीय पंचायत स्तर को इसको जानकारी है कि यहाँ पर जो अरावली के पहाड़ियों के बीच में जो नैना एनिकट बना हुआ, यहाँ पर जो अरावली के पहाड़ियों से जो पानी इकट्ठा होता है जो काफ़ी वहाँ पर गहराई हो जाती है, जिससे जो यात्री लोग जो नैनाथ धाम के दर्शन करने आते हैं तो वहाँ घूमने के लिए चले जाते हैं और नहाने के लिए उतर जाते हैं, जिससे हादसे भी हो जाते हैं। लेकिन पंचायत को जानकारी होने के बाद भी उपखंड जो कार्यालय है वहाँ भी प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी इस पर कोई ना चेतावनी बोर्ड लगाते ना ही कुछ जाल जैसी ऐसी सुरक्षा के इंतजाम लगाते जिससे कि कोई भी हादसा होने से बचा जा सके। जी राणा जी, शुक्रिया पुरुषोत्तम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वैसे तो राजस्थान में पानी की भारी कमी है, लेकिन इस बार मौसम राजस्थान में काफी मेहरबान रहा है, जिसके चलते छोटे छोटे एनिकेट तालाब सहित प्रदेश के बांध भी तालाब हो चुके हैं। मंडी शहर के परिमंडल 2 के DCP राजकुमार सिंधे ने शांति नगर इलाके का दौरा किया और संदेश देने की कोशिश की कि इस शहर में भाईचारा बनाए रखें, अगर किसी ने कुछ ऐसा काम किया जिससे माहौल खराब हुआ तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान ने DCP से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा DCP ने, देखिए ये खास रिपोर्ट। भिवंडी शहर पुलिस परिमंडल 2 के जोन 2 के मनोज राजकुमार सिंधे DCP यहाँ पर भिवंडी शहर के राउंडिंग पर निकले आज। आज बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर चौकिंदा है और कोई भी ऐसा काम न किया जाए जिससे हमको और उस पर कार्रवाई करना पड़े, क्योंकि भिवंडी शहर एक भाईचारे का पैगाम वाला शहर है और यहाँ पर सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग देश को पैगाम अच्छा देते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें उपद्रव करते हैं, जिसमें पुलिस को कहीं ना कहीं तकलीफ होता है। आज हम राजकुमार साहब से पूछेंगे कि आखिर ये जो आपने जो निकाला सर, आज वो क्या संदेश देना चाहते हैं भिवंडी के लोग को? अभी जो मुहर्रम की मेरौनक वगैरह निकलने वाली है और जो 12 तारीख को गणपति विसर्जन है, इसके अवसर पर हमने रूट मार्च निकाला है। यहाँ स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 6 प्लाटून, राइट कंट्रोल पुलिस की 1 प्लाटून और हमारे सब सीनियर ऑफिसर्स, हम शहर में जो जो संवेदनशील एरिया है वहाँ फुट पेट्रोलिंग करके लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करने का हमारा एक कोशिश है। और जो समाज कंटक है उनके मन में दहशत फैलनी चाहिए कि भाई पुलिस का आपके ऊपर नज़र है, और जो लोग उत्साह के साथ त्यौहार मना रहे उनको भी यहाँ सुरक्षित महसूस होना चाहिए। यही है आज के रूट मार्च का एक उद्देश्य है। तो ये राजकुमार साहब डीसीपी हैं, यहाँ पर डिसोजा मैडम है, शांति नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई नितिन कौशिकर साहब हैं, जरा हम उनसे भी जानते हैं। सर, आज ये जो पुलिस मार्च निकला है, ये क्या संदेश दिया जा रहा है और देश यानी महाराष्ट्र में लोगों को क्या बताया जा रहा है कि पुलिस इस तरीके से जो काम आप लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मामला लोगों के बीच जाएगा और ये लोगों को अच्छी संदेश मिलेगा? और हमारा मकसद यही है कि लोगों के दिल में विश्वास पैदा करने का है, और जो गुनहगार प्रवृत्ति के लोग हैं उनके दिल में खौफ पैदा करना है। कहीं ना कहीं देखा जाए, सर एक सवाल हमारा आपसे है, कहीं ना कहीं देखा जाए कि पुलिस मार्च के बाद भी कुछ लोग ऐसा होते हैं जो उपद्रव करते हैं, क्या उनको डर और खौफ नहीं है इस तरीके का जो मामला कर देते? कभी ना कभी इससे पहले भी देखा गया भिवंडी शहर में, एक मामला गायत्री नगर शांति नगर के हद में हुआ डीसीपी साहब के आने से पहले, उसके बारे में लोगों को क्या कहेंगे? हमने जो शांति नगर में 2 साल पहले एरिया में जो वारदात हुई थी उसके बारे में पूरा पुलिस ने अच्छी तरह से एक्शन लिया है उनके ऊपर। वो लोग 2 साल जेल में थे, सुप्रीम कोर्ट तक उनका बेल नहीं हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट से बेल होने के बाद भी उन लोगों पर हर तरीके से नज़र रखी है, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। और हमारे सर डीसीपी सर ने भी अभी सभी हिंदू आरोपी, मुस्लिम आरोपी, ये दोनों तरह के आरोपियों को सामने बुला के उनको वार्निंग भी दिया है और उनके ऊपर हर तरीके से पुलिस की नज़र है। बिल्कुल, तो यहाँ पर डीसीपी साहब की पूरी टीम है और हम दिखाना चाहेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर निकली हुई है और बताना चाहती है कि लोग शांति बनाए रखें, लोग किसी भी तरीके का कोई ऐसा मामला ना करें जिससे पुलिस को एक्शन लेना पड़े। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ भिवंडी शहर की मार्च कर रही है। आप देखने वाली ये बात होगी कि ये संदेश पर लोगों में कितना असर होता है। कैमरामैन यार मोहम्मद रंगेश के साथ मुस्तकिम खान, सीएमएन न्यूज भिवंडी। सागर के सुभाष नगर इंडस्ट्रियल एरिया को वहां के लोग धीरे धीरे रहवासी इलाके में तब्दील करते जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सागर से सद्दाम रियान हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। सद्दाम, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को? मैं आपको बता दूं, यह जो इंडस्ट्रियल एरिया है यह शहर के अंदर ही है और निगम अंतर्गत आता है। इंडस्ट्रीज के चारों तरफ रहवासी इलाके हैं। मैं तब्दील हो चुका है, इंडस्ट्री से निकलने वाला प्रदूषित धुआं, नाइट्रोजन गैस, विषैली पदार्थ से खासा असर रहवासियों के जीवन पर पड़ रहा है, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों में खासी बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर आपने वही स्थानीय लोगों से बात की हो तो वो क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे मामले पर? सीधा साफ बताया है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो ज्यादातर एरिया में जो इंडस्ट्री चल रही है वो सारी किराए से चल रही है सर, और सारे आधे से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियो में अपने निवास बनाए हुए हैं इंडस्ट्रियल मालिक। शुक्रिया सद्दाम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।